आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था, संथाल क्रांति क्या थी, कोल क्रांति क्या थी, क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को? कौन भूल सकता है अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को? तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बुधू भगत, तीरथ सिंह, तेलंगखरिया, गोविंद गुरु, तेलंगाना के रामजी गौंड, एमपी के बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, मैं कितने ही नाम लूं, टंट्या भील, नीलांबर पीतांबर, वीर नारायण सिंह, दिवा किशुन सोरेन, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाइक, मिजोरम की महान स्वतंत्रता सेनानी रोपुई लियानी जी, राजमोहिनी देवी, रानी गाड़िल्यो, वीर बालिका कालीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ऐसे असंख्य असंख्य मेरे आदिवासी मेरे जनजातीय सूरवीरों को कोई भुला सकता है क्या? मानगढ़ में अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया था, हजारों मेरे आदिवासी भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्या हम उसे भूल सकते हैं? साथियों, संस्कृति हो या फिर सामाजिक न्याय, आज की ये एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। मुझे याद है जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना तय किया तो हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश के लोगों को अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत
अनेक काम शुरू हुए हैं उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी और फिर जब वो राष्ट्रपति बनी तो अक्सर मुझसे आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का जिक्र किया करती थी। इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह ही नहीं की थी। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना को 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा मोदी उनको पूछता है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। अगर किसी अफसर को सजा देनी हो, उसको पनिशमेंट देना हो, तो पनिशमेंट पोस्टिंग भी ऐसे जिलों में की जाती थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सरकारों की सोच को बदल दिया। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। मुझे संतोष है आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 10 साल पहले का हाल देखिए, 25,000 करोड़ से भी कम। हमारी सरकार ने इसको 5 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए पहुंचाया है।